फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। इसका हिंदी मतलब होता है आर्थिक नियोजन। समझते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आर्थिक का मतलब होता है पैसा और नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना। तो जो पैसे से संबंधित जो भी प्लानिंग होता है उसको करना क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आइए इसको एक डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट टारगेट एंड सेट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव टारगेट विद द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी, अब जो सेंट्रल अथॉरिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है सेट्स टारगेट, क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारित करती है, सेट करती है टारगेट को, एंड सेट प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स भी सेट करती है, एंड पॉलिसीज और कुछ नीति बनाती है, ठीक है ना। पॉलिसीज मतलब होता है नीति बनाना, टू अचीव टारगेट विद द पीरियड ऑफ टाइम। जो टारगेट सेट करना, प्रोग्राम सेट करना, नीति बनाना, ये सब क्यों करती है कि सेंट्रल अथॉरिटी, ये सब करती है जो टारगेट एक सेट किया है गवर्नमेंट ने उसको अचीव करने के लिए। एक पीरियड ऑफ टाइम, जो भी एक निश्चित समय है हमारे पास, उसमें जो भी टारगेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम सेट किए हैं उनको अचीव करना इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। देन यहाँ पे रखा है इकोनॉमिक प्लानिंग मींस, एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना। तो जो कंट्री के जो रिसोर्सेज है, जो हमारे देश में संसाधन हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना फुली इफेक्टिव एंड इफिशियंसी तरीके से विदाउट एनी वेस्टेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। विभिन्न प्रकार के जो भी विकास करना है, जो डेवलपमेंट करना है, उन सब में रिसोर्सेज को, कंट्री की जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना सही तरीके से, ताकि देश में विभिन्न एरिया में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो सकें एवं उसका विकास हो सके। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग इसलिए बनाती है ताकि एक कंट्री की सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके, जीडीपी ग्रोथ रेट हाई हो सके। इन सब के लिए गवर्नमेंट कुछ टारगेट सेट करती है और कुछ प्रोग्राम्स भी बनाती है और विभिन्न प्रकार के पॉलिसीज भी सेट करती है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू।